हेलो एवरीवन, मैं हूँ अमृता और आज हम बनाएंगे राखी स्पेशल मिठाई रेसिपी। पर वो मिठाई बनेगी सिर्फ 10 मिनट में और केवल 3 इंग्रेडिएंट से। तो चलिए देखते हैं फटाफट से उसकी रेसिपी। लेना है हमें 250 ग्राम मावा, खोया और सिर्फ एक मुट्ठी काजू और स्वाद के अनुसार चीनी। सबसे पहले आप कढ़ाई या पैन ले लें, उसमें तोड़ तोड़ के पूरा मावा डाल दें। ऐसे करने से जल्दी से मावा पिघल जाएगा। तो मैंने पूरे मावे को हाथों से मसल कर डाल दिया है। दूसरी तरफ हम काजू लेंगे और उसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। काजू का पाउडर रेडी है, दूसरी तरफ हमारा मावा भी मेल्ट होने लगा है। तो फ्लेम को रखें लो और इसे और अच्छे से मेल्ट करते जाएं जब तक ये पूरी तरह पिघल ना जाए। मावा मेल्ट हो चुका है, इसमें आप ऐड कर दें 3 से 4 चम्मच चीनी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी भी अच्छे से मिलने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम काजू का पाउडर। काजू डालने से ये मावा मिठाई बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी हो जाएगी। अच्छे से करना है मिक्स। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसे हमें लो फ्लेम पर पकाना है, जिससे कि काजू और मावा अच्छे से कम्बाइन हो जाए। इस मिठाई में आप बिल्कुल भी घी ऐड ना करें, क्योंकि मावा जब मेल्ट होता है तो अपने आप उसमें से थोड़ा सा घी रिलीज़ होता है। तो आपको ऊपर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट तक इसे आपको पकाना है और बस फ्लेम को बंद कर दें। मिठाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब कोई भी स्टील की प्लेट ले लें, उस पर लगाएँ थोड़ा सा घी और गरम गरम जो मिक्सर हमारा तैयार हुआ है इसे आप फैला दें। तो मैं आधा मिक्सर डाल रही हूँ और आधा मिक्सर को हम बाद में यूज़ करेंगे। ये गरम गरम मिक्सर को आप चम्मच से थोड़ा थोड़ा फैला दें। थोड़ी सी हम बनाएंगे चॉकलेट मावा मिठाई। तो उसके लिए मैं बचे हुए मिक्सर में ऐड करूँगी 1 चम्मच कोको पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम चॉकलेट मिक्सर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। मावा मिक्सर भी हल्का सा ठंडा हो गया है, तो उस पर आप प्लास्टिक शीट रखें और बेलन से ऐसे बेल लें। इक्वल थिकनेस की इसे बना लें, क्योंकि इसे आपको फिर कट करना है, और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अच्छे से ये ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम काट लेंगे। अब इसे चाकू से आप शेप दे दें। तो मैं काजू कतली का शेप दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसे स्क्वायर में कट कर लेंगे और उसके बाद काजू कतली स्टाइल में इसे आप शेप दे दें। आप चाहें तो स्क्वायर कट कर लें, राउंड शेप कट कर लें, मोल्ड का यूज़ कर लें। और कट करने के बाद ये जो किनारों से डो निकलेगा, इससे हम बनाएंगे चॉकलेट मिठाई। अब टॉप पर मैं लगा दूंगी इसमें कटे हुए बादाम। आप चाहें तो काजू लगा दें, कोई भी नट्स लगा दें। और हमारी मावा कतली बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी और क्रीमी। 10 मिनट में हमने 3 इंग्रेडिएंट से बहुत ही अच्छी मिठाई बना के तैयार कर ली है घर में। तो इस राखी आप यही मिठाई ट्राई करें और भाइयों को खुश करें, बहुत ईजिली ये निकल जाएंगी। अब हम बनाते हैं चॉकलेट मावा मिठाई। तो इसके लिए मैंने डो को अच्छा सा ठंडा कर लिया था, फ्रिज से निकाल लें और इसे अच्छे से चौकी पे रोल करते हुए इनकी छोटी छोटी बॉल्स कट कर लें। हम मावा और चॉकलेट दोनों मिक्सचर को आपस में मिला के मिठाई तैयार करेंगे। तो चॉकलेट रोल को मैंने कट कर लिया है, ऐसे ही मावा रोल को आप छोटी छोटी बॉल्स में कट कर लें। अब जैसे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, वैसे ही आप इन्हें साथ में रख के हाथों से घुमा दें। तो देखिए कितने अच्छे चॉकलेट पेड़ा बन के रेडी हो गया है। इसी तरह आप और भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो एक चॉकलेट का रखें, एक मावा रखें और ऐसे राउंड में रखते हुए दोनों को हथेलियों से गोल घुमा दें। बहुत ही सिंपल है ये पेड़ा बनाना और खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं। चॉकलेट मावा मिठाई बनके हमारी तैयार हो चुकी है। हमने घर के मावे से, घर के इंग्रेडिएंट से ये टेस्टी मिठाई बना के तैयार कर ली है। तो इस राखी पर आप ये मिठाई ज़रूर ट्राई करें और सबको बना के मुंह मीठा करवाएं। मिठाई को आप हफ्ते भर तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।